अहिल्या बोली हम जनकपुर की गली में रहेंगे। उससे पूछा क्यों? बोले अयोध्या में शायद भगवान के दर्शन ना हो। जनकपुर की गली में क्यों? बोले भक्ति की नगर की गली में रह जाएंगे तो भगवान गुजरेंगे जरूर शादी के लिए। वो चाहे जितने बड़े हो जाएं, कभी ना कभी तो भक्ति से मिलने आएंगे, और भक्ति से मिलने आएंगे तो हम गली में ही मिल जाएंगे, हमारा उद्धार हो जाएगा। हम आएंगे तो भंडारा करवाएंगे तो खर्चा भी होगा, ये अलग बगल में खड़े अद्भुत है, ये हनुमान जी की लीला है। और हनुमान जी ऐसे लोग जुड़ा भी लेते हैं, भगवान की बड़ी कृपा है, यहाँ के सबसे बड़े बिजनेसमैन है, हमने कहा इन्हीं को पकड़ो, छोटों में कौन फंसे, छोटों में। अच्छा एक व्यक्ति हमसे बोला आप क्या अमीरों की सुनते हो? हमने कहा नहीं हम सुनते नहीं है, हमें गरीबों से मिलने का बहाना इन्हीं के थ्रू मिला। बोले कैसे? हम का खर्चा ये करते हैं, बुलाते ये हैं, भंडारा ये करवाते हैं, पर्चा हम उनके बनाते हैं जो किसी का डॉट डॉट डॉट। अच्छा इनको क्या चाहिए? अमीरों को इतनी संतुष्टि चाहिए कि नहीं ये लगे कि ये वीआईपी है, अब वो हम संतुष्टि दिलवा देते हैं। अब बहुत विनोद तिवारी हमारा परिवार है, वरुण जी हमारे बहुत प्रिय चेला हैं, इनके पिताजी बहुत ही सज्जन हैं, और अब ये हमारे बागेश्वर के और पशुपतिनाथ के और नेपाल राष्ट्र के लिए हमेशा जीवन भर ये कार्य करेंगे। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। तो हम एक बात और बता रहे हैं, जटायु जी महाराज रामायण में आपने कथा सुनी, जरा भाई माइक तेज कर दे, तेरे दादा का थोड़ी लग रहा है, नोट बराबर देगा माइक जीरा का। राम धन्य है। रामायण का एक पात्र श्री जटायु जी महाराज, जटायु जी के पंख रावण ने काट दिए, जटायु जी जमीन में गिर गए, दर्द से कहारने लगे, शरीर में पीड़ा हुई, तो किसी ने जटायु जी से कहा बड़ा सीताराम 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 करते थे, लो पंख कट गए, अब नहीं आए तुम्हारे राम जी कान। अच्छा कान भरने वाले लोग बड़े खतरनाक होते, ये सबके पास जाते तुमसे भी कहें, बड़े बाबाओं के चक्कर में पड़े, क्या हो जाए, बागेश्वर धाम चिल्ला रहे, क्या हो जाएगा। कान भरने वाले लोग बड़े खतरनाक होते हैं, जटायु जी के भी कान भरे, सीताराम सीताराम दिन भर करते थे, आज देखो आज पंख कट गए, तुम्हारे राम जी नहीं आए, अरे कम से कम पंख होते तो तुम उड़कर अयोध्या चले जाते, दर्शन करवाए, आज पंख कट गए बंद करो पूजा। पता है जटायु जी क्या बोले? बोले भगवान का धन्यवाद है जो पंख हमारे कट गए। वो आज नहीं बोला धन्यवाद क्यों दे रहे? बोले भैया पंख होते तो हमें उड़कर राम जी के पास जाना पड़ता, आज पंख नहीं है तो राम जी को चलकर हमारे पास आना पड़ता। और यही हम तुमसे कहना चाहते, नेपाल के पांडव तुम साधना में तल्लीन हो जाओ, एक बुरी बात मत मानना, बुरा मत मानना हमारी बातों का, आप हनुमान जी को तो मानते हो, हनुमान जी की नहीं मानते, हनुमान जी को तो मानते, हनुमान गुरु जी को तो मानते, जय गुरुदेव, पर गुरु जी की नहीं मानते। माता पिता को मानते हो, माता पिता की नहीं मानते हो। और मेरे पागलो जितने भी लोग यहां बैठे हो तुमसे प्रार्थना करेंगे, अगर तुम्हें कुछ पाना है, अगर तुम्हें कुछ बनना है, अगर तुम्हें कुछ उपलब्धि पानी है, तो आज की बात हमारी नोट करके घर जाना, या तो तुम आज के बाद पशुपतिनाथ के मंदिर में जाना छोड़ दो, या आज के बाद तुम पशुपतिनाथ महादेव का पूजन करना छोड़ दो, या आज से अभी से पशुपतिनाथ पर सब कुछ छोड़ दो। और जिस दिन आप बागेश्वरनाथ पर या पशुपतिनाथ पर आप सब कुछ छोड़ दोगे, हम दावे के साथ कहते हैं आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। परेशान इसलिए हो क्योंकि दर दर भटक रहे, आप परेशान इसलिए हो क्योंकि आपकी सुविधा स्थायी नहीं, आस्था स्थायी नहीं है। याद रखना
सौ जगह एक एक फुट का गड्ढा खोदने से पानी प्राप्त नहीं होगा, एक जगह सौ फीट का गड्ढा खोदने से अवश्य प्राप्त होगा। इसलिए मेरे पागलों, जाग जाओ और अपने कर्तव्य पर लगे रहो। बुरा मत मानना, हम बहुत सिद्धांतवादी आदमी हैं। हमारे पर्चा बनाने से तुम्हारी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं होगा जब तक पर्चा का अपने शरीर में, अपने जीवन में चरित्र को उतारोगे। एक सज्जन हमको मिले भारत में, साउथ में, बहुत बड़े नेता हमारे पास हमको मिलने आए। बोले गुरुजी, हमने सुना आप पर्चा बनाते हो। बोला नहीं गुरुदेव, एक प्रार्थना करें हम का करो। बोले गुरुजी, हम हनुमान जी का चित्र हमेशा जेब में रखता हूं। उनका साउथ का लैंग्वेज था, हनुमान जी का फोटो हमेशा जेब में रखता हूं। हमने कहा क्षमा करना, हनुमान जी का फोटो जेब में हो या ना हो, हनुमान जी का चित्र जेब में हो या ना हो, हनुमान जी का चित्र तुम्हारे मोबाइल में हो या ना हो, हनुमान जी का चित्र तुम्हारे घर पर हो या ना हो, हनुमान जी का चरित्र दिल में जरूर होना चाहिए। और अगर हनुमान जी का चरित्र तुम्हारे दिल में नहीं है तो तुम्हारी पूजा, तुम्हारी उपासना, तुम्हारा भजन, तुम्हारे जीवन का ये बीता हुआ समय कालखंड सब व्यर्थ है और खोखला है। और तब तक तुम नीरस हो, तब तक तुम बेकार हो जब तक तुम्हारी जिंदगी में हनुमान जी की उपासना नहीं। क्योंकि और देवता चित्त न धरई हनुमत से, केवल एक हनुमान जी ऐसे हैं जो आपको सर्व सुख प्रदान कर सकते हैं। इसलिए आज की सभा में विराम पर हम यही कहेंगे, अंत दो गत्वा, कभी बागेश्वर धाम आने का मौका मिले अपने घर जाना, बागेश्वर बालाजी से कह देना बस बहुत हो गया, आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे। खूब मुस्कुराओ। तो आप लोग बहुत भाग्यशाली हो, भक्ति की भूमि पर बैठे हो। और भक्ति की भूमि पर भक्ति ना हो तो हम तुमसे बड़ा कौन मूर्ख होगा। इसलिए भक्ति की भूमि पर देखो, भक्ति की भूमि पर किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं, भगवान को स्वयं आना पड़ता है। स्वयं आएंगे राम। एक कथा और फिर विराम, हमको जाना है। अहिल्या को कौन कौन जानता है रामचरित मानस में? अहिल्या, अहिल्या हाथ उठाओ। बाकी लोग श्रीलंका से हैं तो वही राम नेपाल के ही है ना, अहिल्या को नहीं जानते? नक्कटा। सुनो, अहिल्या वो है जो गौतम ऋषि की पत्नी, जिन्हें पत्थर बनने का श्राप मिला। अब कौन कौन जानता है? ठीक, हाथ नीचे। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या पत्थर बनी। उससे पूछा आप कहाँ रहो? अयोध्या में? नहीं। अहिल्या बोली हम अयोध्या में नहीं रहे। फिर कहाँ रहोगे? अहिल्या बोली हम जनकपुर की गली में रहेंगे। उससे पूछा क्यों? बोले अयोध्या में शायद भगवान के दर्शन ना हो। जनकपुर की गली में क्यों? बोले भक्ति की नगर की गली में रह जाएंगे तो भगवान गुजरेंगे जरूर शादी के लिए। वो चाहे जितने बड़े हो जाएं, कभी ना कभी तो भक्ति से मिलने आएंगे। और भक्ति से मिलने आएंगे तो हम गली में ही मिल जाएंगे, हमारा उद्धार हो जाएगा। इसलिए आप लोग उस भक्ति के नगर में हो कि हाँ स्वभाव बस आपका उद्धार हो जाएगा। तो मुक्तिनाथ और पशुपतिनाथ को प्रणाम करके, अच्छा आप तीन नाथ जुड़ गए, मुक्तिनाथ, पशुपतिनाथ और बागेश्वरनाथ। तीन तीन नाथों के हाथ में अगर अपनी नाथ हो, तीन तीन नाथ के हाथ में अगर अपनी नाथ हो तो फिर कौन अनाथ होगा? इसलिए आप सब सनात हैं, मुस्कुराइए, हंसते रहिए और हम आपको मिलेंगे कथा में। खूब हम सामूहिक अर्जी अभी आप लोगों की लगा देते हैं, पर्चा वाली वहां लगाएंगे 20 तारीख को, शाश्वत धाम में जहाँ है
वहां पर समय निकालिए, कौन कौन आ रहा कथा में।